सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर स्वर्ग है कहीं तो उतारना जमीन पर। दोस्तों, कहानी संघर्ष की विद श्याम आपका स्वागत है। ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है जहां सफल अभ्यर्थियों को आपको उनके अनुभवों का लाभ देने के लिए बुलाया जाता है। और आज उसी कड़ी में हमारे बीच आए हैं पीसीएस 2011 बैच में सेलेक्ट श्री अजय मिश्रा जी, जो एआरटीयू के पद पर चयनित हुए। आप साइंस स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएट रहे और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की स्टडी किए। आइए आपका स्वागत करते हैं श्री अजय मिश्रा, एआरटीयू। धन्यवाद। तो अजय जी, सबसे पहली बार आपके दिमाग में ये विचार कब आया कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? ग्रेजुएशन के दौरान रूरल बैकग्राउंड होने की वजह से और घर में कोई सिविल सर्विसेज इत्यादि के फील्ड में न होने से मार्गदर्शन भी कोई उपलब्ध नहीं था, तो इस तरीके का कोई ख्याल उस समय तो नहीं था। तो ग्रेजुएशन जब कर रहा था तब केवल यही था कि ग्रेजुएशन पूरी हो और कुछ नौकरी इत्यादि के संदर्भ में व्यवस्था हो सके। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ कुछ समय सर्विस करने के उपरांत मुझे नहीं लगा कि मैं उसके लिए बहुत सूटेबल हूँ या वो नौकरी मेरे लिए बहुत सूटेबल है, तो फिर मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस की। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस शुरू की तो उस दौरान जब कुछ मीटिंग इत्यादि में जिला स्तर पर पार्टिसिपेट किया तो तब पहली बार सिविल सर्विसेज के महत्व को समझ में आया। वहाँ अधिकारियों से मुलाकात हुई तब फिर खुद भी ये लगा कि इसकी तैयारी करनी चाहिए और मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, तब मैंने फिर उसकी तैयारी शुरू करी। क्योंकि अजय जी, बहुत सारे अभ्यर्थी जो मुझसे मिलते हैं वो अक्सर करके ये कहते हैं कि भाई उनके परिवार में कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं है, तो उन्हें वो बचपन से वो माहौल नहीं बना मिला जो जिसकी वजह से वो आसानी से सिविल सर्वेंट बन पाते। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों से जो अक्सर करके ऐसा सोचते हैं? श्याम जी, इस चीज़ का जो जवाब है उसका काफ़ी पार्ट जो है वो आपके प्रश्न में छुपा हुआ है। आपने कहा कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो आसानी से सिविल सर्विसेज में नहीं बन पाएंगे, तो ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा तो आसानी से तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। वो भले ही आप एक सिविल सर्विसेज में जो व्यक्ति ऑलरेडी सर्विस कर रहा है उसके आप बेटे हों या बेटी हों, या जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है उस परिवार से आप बिलोंग करते हों, संघर्ष तो दोनों को ही करना पड़ता है। हाँ, ये अवश्य है कि जिसके घर में कोई व्यक्ति उस फील्ड से जुड़ा हुआ होता है तो शुरुआती स्तर पर, वो भी बाद में नहीं, बाद में तो संघर्ष सबके लिए बराबर है, शुरुआती स्तर पर उसको थोड़ा सा एक लाभ आप कह सकते हैं ये हो जाता है कि उसको गाइडेंस जो है वो घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जिसके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता या वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। मैं खुद उस चीज़ का उदाहरण हूँ, हमारे तो कोई घर में, क्या गाँव में, जान पहचान में, नाते रिश्तेदारी में कोई नहीं था उस फील्ड से, ये जरूर है। फिर उसके लिए आपको गाइडेंस के स्तर पर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है आपका, लेकिन तैयारी के दौरान तो संघर्ष बराबर है क्योंकि पढ़ाई आपको भी करनी है, उसको भी करनी है। जैसा कि अजय जी, आपने लगभग 27 साल की उम्र में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, तो आपको किन समस्याओं का सामना ज्यादा करना पड़ा? क्या आप मानते हैं कि ये तैयारी आप पहले शुरू कर देते तो आप लाभ में रहते? अब ये तो खैर जीवन है, तो जीवन में हमेशा किंतु परंतु तो खैर लगे रहते हैं। जीवन कभी भी एक तराजू पर तौल के तो नहीं चल सकता। मेरा तो मानना यह है कि आप कोई चाहिए कभी न करें उससे अच्छा है कि भले ही थोड़ी देर में करें लेकिन आप कर लें। बहुत सही। तो एटलीस्ट आप शुरुआत करें। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ थोड़ा सा देर की वजह से एक दिक्कत मेरे साथ ये रही कि सिविल सर्विसेज में 4 अटेम्प्ट थे मेरे पास यूपीएससी में, तो मैं केवल 2 ही अटेम्प्ट दे पाया और लास्ट अटेम्प्ट मेरा, क्योंकि सेकेंड ही अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरे साथ थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम भी रही, तो उस समय मैं सिलेक्ट उसमें नहीं हो पाया यूपीएससी के द्वारा। तो शायद अगर अटेम्प्ट होता तो उसमें भी कोई बेटर परफॉर्मेंस, लेकिन कोई उसकी मुझे आज कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर भी हमने फिर बाद में संघर्ष किया और अपना बाद में जहाँ भी पहुँचे ठीक ही पहुँच गए।
जैसा कि अजय जी, सिविल सर्विस को चूंकि जब मैंने भी तैयारी की तो कई बार ऐसा दौर आया कि आप में निराशा जो है बहुत ज़्यादा भर जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दें तैयारी। कभी आपके दिमाग में भी ऐसा विचार आया, कभी निराशा ने आपको घेरा हो और आपको लगा हो कि भाई इससे अच्छा तो जो पहली जॉब थी उसी में ठीक थी? आशा और निराशा तो खैर साथ साथ चलते रहते हैं जीवन में, लेकिन निराशा के पल आना और निराशा से घिर जाना, ये दो चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो निराशा तो कई बार होती है क्योंकि जब आप चीज़ें शुरुआत करते हैं तो बीच में कुछ बाधाएं भी आती हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप अपेक्षा नहीं करते हैं लेकिन वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाती हैं। कुछ व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं आती हैं, कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, कई बार परिवार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं में कुछ पल निराशा के आते अवश्य है, लेकिन निराशा से घिरना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं कभी घिरा। निराशा आना और आने के बाद उसे झटक देना चाहिए और फिर आशा से घिर के आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी हमेशा यही किया, जब जब निराशा के पल आए तो हमेशा यही सोचा कि चूंकि एक लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को पाना है, और पाना है तो बाधाओं से घबराना नहीं है। निराशा आएगी तो आशा का दामन हमें ज़्यादा थामना है, निराशा का दामन को तुरंत झटक देना चाहिए। अजय जी, आपके सिविल सर्विस में क्या विषय रहे, थोड़ा सा बच्चों के इस विषय में बताइए सर। जब मैंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी की तो उस समय हालांकि मेरे पास समय कम था, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से चूंकि उस समय फ्री में एक सब्जेक्ट होता था और मेंस में जैसे आज भी दो सब्जेक्ट उसी तरीके से सब्जेक्ट होते थे, तो प्री के लिए मैंने उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज किया और मेंस में मैंने दो विषय अलग रखे, फिलोसफी और पाली लिटरेचर। तो सामान्य अभ्यर्थी हालांकि दो विषय पढ़ते थे लेकिन मैंने तीन विषय पढ़ने पड़े उस वजह से। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपने जो पीसीएस परीक्षा है 2011 जो आपने उत्तीर्ण की उसमें आपके विषय फिलोसफी और लॉ थे जी, तो आपने चार चार विषयों का अध्ययन किया, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि आप केवल दो विषय लेकर चलते तो और ज्यादा अच्छा कर लेते, या बच्चे एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी परेशान होते हैं, तो आपको कभी परेशानी नहीं हुई कितने सारे विषयों को पढ़ने में? श्याम जी, जहाँ तक विषयों के चयन का प्रश्न है तो इसको मैं कोई निगेटिव चीज के रूप में इसलिए नहीं लेता कि मैंने एक विषय अधिक लिया अन्य की तुलना में, लेकिन वो एक रणनीति के पार्ट के रूप में मैंने तो उसको हमेशा लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया कि मेरे पास चूंकि समय कम था तो मुझे ऐसे विषय की तलाश थी कि जो मुझे प्रीलिमिनरी एग्जाम में अलग सफलता दिला सके, और जब फाइनल स्टेज आती है एग्जाम की जहां आप जब मेंस देते हैं जिसके जिन विषयों के मार्क्स आपके आगे के स्कोर में काउंट होते हैं, आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए जो विषय उस समय मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे या मुझे लगा कि मैं इनमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैंने वो विषयों को चुना। मेरे लिए ये बड़ी चीज़ नहीं थी कि मुझे एक से अधिक विषय पढ़ना है या कम पढ़ना है, क्योंकि जब एक बार निर्णय लिया गया कि हमें किसी चीज़ को सफलतापूर्वक करना है तो फिर उसको कैसे करना है केवल इसी पर फोकस होना चाहिए। उसमें कम कठिनाई आएगी, ज़्यादा कठिनाई आएगी, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। मुख्य चीज़ ये होनी चाहिए कि आप सफल हो सकते हैं उस चीज़ से या नहीं हो सकते। तो अजय जी, आप जो है अभ्यर्थियों को ऑप्शनल विषय चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे उनकी तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपके पहले बिंदु पर आता हूँ जहाँ आपने कहा कि चुनाव विषय का कैसे करना चाहिए। तो मेरी तो इस बारे में मान्यता यह है कि आपको विषय का चुनाव करते समय सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप किस विषय के द्वारा इस चीज के लिए आशान्वित हैं या आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं कि इस विषय के द्वारा मैं जो परीक्षा है सामने उस परीक्षा को पास करके आगे जा पाऊंगा। केवल यही एक मुख्य आधार होना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि विषय जो आपको बहुत रुचिकर लगे, आपको मनोरंजक लगे, वो विषय चुनो। मेरा तो कहना यह है कि जो विषय आपको सफलता दिला सके वो विषय आप चुनाव कीजिए। तो ये कैसे तय होगा कि ये सब्जेक्ट आपको सफलता दिला देगा, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि स्केलिंग की वजह से कोई सब्जेक्ट बहुत ऊपर उठ जाता है, कोई नीचे गिर जाता है। इसके लिए आप दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो किसी भी परीक्षा में जिसमें भी आप अपियर होना चाह रहे हो उस परीक्षा का ट्रेंड क्या है, इसको आप जो भी आयोग है जैसे अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा है
तो लोक सेवा आयोग अपने जो भी रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को प्रस्तुत करता है, वो पूरी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, तो उसमें से ये जानकारी हो सकती है कि किस विषय में कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोग सेलेक्ट हुए। फिर जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि किस विषय में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जहाँ तक स्किलिंग का सवाल है तो यूपी लोक सेवा आयोग में इस चीज़ का काफ़ी असर देखा गया है, तो इस चीज़ के लिए आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत के द्वारा दो चार छः लोगों से आप मिलिए और उनसे आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन से विषयों का सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा है और स्केलिंग में कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के आधार पर फिर आप उनमें से जो आपको ऐसे करके आप चार पांच विकल्प आपके सामने आ जाएंगे, फिर उन चार पांच विकल्पों में से आपको ये देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शनल विषय में अच्छे अंक लाने के लिए क्या आप सुझाव देंगे? सबसे प्रमुख चीज तो किसी भी ऑप्शनल हो, किसी भी ऑप्शनल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि उसका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे से समझें। अब सिलेबस को समझने का मतलब अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को रटने या उसकी पूरी पढ़ाई सी में बात कर रहा हूँ। इस समय मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेयर सिलेबस, जो सिलेबस अखबार में छपता है, नंबर 1, 2, 3 जो टॉपिक्स लिखे होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी समझ उतनी ही जरूरी है जितनी कि उस विषय की पढ़ाई। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि अभ्यर्थी अखबार में से सिलेबस लिया, केवल एक उसमें 15-20 मिनट उस पर समय दिया, देखा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को किताब में या किसी में अपना चिन्हित किया, उसको पढ़ना शुरू हो गए। जबकि उस टॉपिक्स की एक गहन एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आखिर जो, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी होगी किसी विषय के बारे में, उस विषय से संबंधित उस टॉपिक की जो एक लाइन लिखी है उस, वो लाइन वास्तव में क्या कन्वे कर रही है, उसकी क्या क्या अपेक्षाएं उस लाइन से जुड़ी हुई, वो चीजें जब आप समझ जाएंगे उसको समझने के लिए आपको गहनता से उसको समय देना पड़ेगा। आपको 2-3 दिन कम से कम आप लगाइए उस चीज पर। जो भी अभ्यर्थी सिलेबस पर समय देना चाहते हैं वो एक एक टॉपिक को पहले देखें, फिर उससे संबंधित पुस्तक में उस टॉपिक को पहले खोजें, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या शामिल हैं वो आपको जो भी स्टैंडर्ड पुस्तक है उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज पर जो भी उस विषय में पहले जो परीक्षा हो चुकी हैं, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज फिर आपको विश्लेषण करना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बने हैं, उनको ईयर वाइज टॉपिक के हिसाब से आपको क्रम से लगाना चाहिए। अगर कोई ऐसी कलेक्शन कहीं मार्केट में अवेलेबल हो तो उसकी सहायता ली जा सकती है, ना हो तो जो प्रीवियस ईयर के अनसॉल्ट्स आते हैं उनको आप ले सकते हैं। और उनको लेने के बाद एक प्लेन पेपर रख के आप सामने बैठे और एक तरफ से आप शुरू हो जाएं, टॉपिक्स के पहले नाम लिख लें और हर पेज पर जगह छोड़ दें, उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आता जाए वो उस संबंधित पेज पर आप लिखते जाएं। 2 या 3 दिन की मेहनत में आपके पास एक पूरा कलेक्शन तैयार हो जाएगा, ईयर वाइज भी वो रहेगा, टॉपिक वाइज भी रहेगा, आपके पास एक हैंडी रेफरेंस हमेशा के लिए हो जाएगा, उसको एक नज़र में देखते ही आप जान पाएंगे कि इस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। तो जब आप उस टॉपिक की पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप बेसिकली उस चीज पर एक पूरा फोकस दे पाएंगे जो चीज एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ एक चीज को बहुत क्लियर करना है कि एक पीएचडी के स्टूडेंट में और एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में एक बेसिक डिफरेंस है। पीएचडी वाले को चूंकि एक टॉपिक और एक विषय पढ़ना है तो उसको उसी विषय में चाहे वो जितनी किताबें कंसल्ट करता रहे, लेकिन सिविल सर्विस वाले के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है और इतनी लग्जरी भी नहीं है, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़नी है, अन्य विषय भी पढ़ना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, समय कम है और भी बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। तो इन सब चीजों को देखते हुए अथाह समंदर में डूबना नहीं है, बस आपको उस समंदर को तैर के पार करना है और आपको अपनी एनर्जी पार करने पर लगानी है, न कि उस समंदर की पूरी गहराई को नापने पर। बहुत बढ़िया सुझाव दिया सर आपने। सर जो सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा व्यापक है और अक्सर करके बच्चे जो है, अभ्यर्थी जो है वो जीएस का वाइड सिलेबस देखकर बहुत घबराते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि वो सामान्य अध्ययन पर अच्छी पकड़ बना सकें, क्योंकि आपके भी अंक सर सामान्य अध्ययन में बहुत अच्छे आए। सर जी, इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे शुरू से तो मुसीबतें तो आपके सामने आएंगी तैयारी के दौरान, लेकिन अगर आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल व्यवहारिक है
तो आप बहुत सारी मुसीबतों के आते हुए भी आप न तो घबराएंगे ना उस सिलेबस में कितना विस्तार है इस चीज से कोई आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, क्योंकि आपको अगर ये मान के कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है कि वो ज्ञान के पूरे फील्ड को नाप सकता है, सभी चीजों को जान लेगा, पूरे पेपर में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो उसको ना आता हो, तो उसमें एक तो उसके माइंड पर अनावश्यक बर्डन पैदा हो जाता है और निराशा भी उसी व्यक्ति को घेरती है, क्योंकि ये व्यवहारिक सोच नहीं है। वो जो अव्यवहारिक सोच को लेकर आगे बढ़ता है वो व्यक्ति निराशा से अवश्य घिरता है। आपको व्यवहारिक रूप से ये मानना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हर चीज का हर कुछ आता हो। आप से अपेक्षा ये की जाती है कि आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जीएस एक नाम में जीएस जरूर है लेकिन जीएस एक बंच है, गुलदस्ते की तरह है जिसमें बहुत सारे विषयों के फूल लगे हुए हैं। आपसे उम्मीद ये की भी नहीं जा रही है कि आप हर विषय की हर चीज को जानें। अपेक्षा आपसे ये है कि आप हर विषय के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जानें, उतनी चीजों को जानें जितनी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से एक उम्मीद की जाती है। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि अगेन वही हम आते हैं सिलेबस पर, पहले तो आप सिलेबस को गहराई से विश्लेषण करें, फिर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, उसके उपरांत फिर आप पढ़ाई शुरू करें। होता उल्टा है, सिलेबस पर हल्की सी नजर डालते हैं उसके बाद फिर 6 महीने पढ़ाई करी उसके बाद पहली बार प्रश्नों को देखा जाता है, तब होता क्या है कि कई बार उस पूरी मेहनत की निरर्थकता समझ में आती है कि ज्यादा फोकस उन चीजों पर किया गया होता है जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, या जिस चीज को हम पढ़ भी लेते हैं कई बार प्रश्न जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो पढ़ी हुई चीज में से भी गलत कर देते हैं। हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज का बारे में हम सब कुछ जान जाए ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर आप संभव बना सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें से अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आप गलत ना करें। सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में आपको कुछ प्रश्न हमेशा ऐसे रहेंगे जो नहीं आते होंगे, जो आपने नहीं पढ़े होंगे, और कभी भी आप उन गलतियों की वजह से बाहर भी नहीं होंगे, आप हमेशा उन गलतियों की वजह से बाहर होंगे जब आप अपने पढ़े हुए में से भी गलतियां करते हैं। आपकी एक्यूरेसी जरूर 100% होनी चाहिए, भले ही आपकी दौड़ थोड़ी सी कम हो लेकिन आपने जो पढ़ा हो उसके बारे में अगर कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के आगे पीछे से कैसे भी पूछा जाए तो आप हर तरीके से हर पहलू से उसका जवाब देने में सक्षम हो। यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उस विषय पर पर्याप्त विचार करते हुए पढ़ें। अजय जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं और अक्सर करके उन्हें लगता है कि यदि वो कोचिंग कर पाते किसी भी कारण से, यदि वो कर पाते तो शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहता। और मैंने देखा है कि अधिकांश बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो निराशाजनक स्थिति में रहते हैं और बड़ा समय लगता है उनको मोटिवेट करने में। तो क्या बिना कोचिंग के आप मानते हैं कि सफल हुआ जा सकता है, और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सफलता जो है, पहली चीज तो ये कि सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं होती, सफलता आपकी अपनी परिश्रम, लगन और आपकी जिजीविषा कितनी है, जिसे आप कह सकते हैं कि शिद्दत आपके अंदर उस चीज को पाने की कितनी है। अगर आपकी शिद्दत है तो आप बिना कोचिंग के भी रास्ते ढूंढ लेंगे, रास्ते ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते कोचिंग से ही होकर जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका कोई विषय ऐसा है जो एकेडमिक्स में आपने नहीं पढ़ा है, आपकी वो बैकग्राउंड नहीं है, या जीएस के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं कि जिनमें आपको कोई विशेष समस्या लग रही है, तो आपको कहीं से कोई उचित मार्गदर्शन मिल जाता है। मैं यहाँ उचित मार्गदर्शन प्रयोग शब्द इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दोनों बातें शामिल हैं। वो उचित मार्गदर्शन आपको कोचिंग से भी मिल सकता है, वो उचित मार्गदर्शन किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकता है जो कोचिंग से संबंधित ना हो, मान लो वो कभी खुद सेलेक्ट हुआ हो। आप जैसे जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले में बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो लोग उसी प्रोसेस से आए होते हैं, उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर आप उनसे मिलेंगे और आप अगर जेन्युइन व्यक्ति हैं तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे, आप वहाँ से मदद ले सकते। तो कुल मिलाकर श्याम जी, बात यहाँ पर आकर रुकती है कि उचित मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए। शुरुआत में हर व्यक्ति को मार्गदर्शन की जरूरत होती है क्योंकि परिश्रम तो निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन परिश्रम सही डायरेक्शन में होना चाहिए, उसकी रणनीति परफेक्ट होनी चाहिए। परिश्रम आप 1-2% कम भी करेंगे तो शायद चलेगा, लेकिन रणनीति में अगर आपके में कमी है तो फिर आप चाहे जितना परिश्रम करेंगे वो व्यर्थ जाएगा। तो आपको मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, लेकिन मार्गदर्शन कोचिंग से ही मिले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप वो मार्गदर्शन अपने आसपास के लोगों से ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। इसके अतिरिक्त अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो 80% मार्गदर्शन तो आपको वो प्रश्न ही दे देंगे
उन्हीं से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो कई बार व्यक्ति खुद भी अपना गुरु हो सकता है, इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी जगह जगह बताया गया है और आप दीपो भव की भावना को बार बार किया गया है, तो अगर आप अपने दीपक स्वयं भी बन सकते हैं तो वो भी बन सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं। सर, इंटरव्यू के लिए आप अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कैसे अच्छे हैं? इंटरव्यू चूंकि आपके व्यक्तित्व का मुख्य रूप से परीक्षण है, मैंने मुख्य रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व के साथ साथ कुछ जानकारी वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं अलग अलग, हालांकि फोकस जो है वो मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व पर रहता है और सिविल सर्विसेज के लिए आपकी सूटेबिलिटी क्या है, इस चीज को जज करने का मुख्य प्रयास होता है। उसके लिए आपको व्यक्तित्व तो अपना बेहतर बनाना ही चाहिए। व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, ज्ञान व्यक्तित्व का एक पक्ष मात्र है, समस्त व्यक्तित्व उसके अंतर्गत नहीं आता। तो ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, और ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे भी नहीं। तो वो निश्चित रूप से आपके पास है, ये भरोसा आप रख के इंटरव्यू में जाएं। ये भरोसा आपकी 50% मुश्किलों को आसान कर देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान। कई बार वहां आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि जो पूछने वाले को भी पता है वो नेगेटिव है, लेकिन सामने जब आप इंटरव्यू टेबल के दूसरी तरफ बैठे होते हैं तो कई बार अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उस सवाल की धारा में बह जाते हैं, आप कई बार उस सवाल को नकार नहीं पाते कि सवाल ही गलत है। तो कॉन्फिडेंस आपका इस स्तर तक होना चाहिए कि आप अगर सवाल गलत पूछा जा रहा है तो आप सवाल को भी नकार सकें कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। वो तभी आएगा जब आप अपने मनोमस्तिष्क को दबावों से मुक्त करके जाएंगे। तो आधा दबाव तो आपका इसी बात से मुक्त हो जाएगा अगर आप इस विश्वास के साथ एंटर हो रहे हैं रूम के अंदर कि जो भी जानकारी तक का प्रश्न है वो आपके पास पूरा है। कुछ कमियां हर व्यक्ति के अंदर रहती हैं, उनको बहुत निर्विकार भाव से स्वीकार कीजिए और उसी निर्विकार भाव से आप एंटर कीजिए कि अगर आपकी कुछ कमियां भी हैं तो उसके लिए कोई आप अपराध ही नहीं है, वो आपका अपराध नहीं हो गया कि आप उस अपराध बोध से ग्रसित होकर अगर किसी प्रश्न का आप सामना कर रहे हैं कि अरे मुझे नहीं आता तो मैं बहुत अपराधी हो गया, अरे ये कैसे नहीं आता। कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, इस भाव से बैठिए जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे भी सब नहीं पता है, तो आपको भी कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं पता है। तो जो आपको नहीं आता उसे आप विनम्रता से स्वीकार कीजिए, जो आता है उसको आप कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दीजिए। अगर कोई चीज़ आपसे गलत पूछी जा रही है, कोई चीज़ आपकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो आप वहाँ भी उसका इनकार कर दें। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान या आत्मविश्वास से नीचे चले जाएं। इसके अतिरिक्त कई बार कुछ भ्रांतियाँ जरूर होती हैं इंटरव्यू को लेकर, और वो भ्रांतियाँ अक्सर लोगों को ज़्यादा नुकसान करती हैं। जैसे कुछ कोचिंग वाले ऐसे मिल जाते हैं जिनको बहुत अनुभव नहीं होता, कई बार गलत मार्गदर्शन भी बड़ा उतना ही घातक है। जितना मार्गदर्शन आवश्यक है उतना ही गलत मार्गदर्शन से बचना भी जरूरी है। कई बार लोग जब इंटरव्यू की कोई तैयारी के लिए कोई स्टूडेंट आता है तो कुछ लोग भले उन्हें जानकारी ना हो लेकिन उनके पास आ गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसमें आपको गाइड करेंगे। अब उसका दिमाग को उन चीज़ों में ज़्यादा उलझा दिया जाता है जो उतनी ज़्यादा आवश्यक है भी नहीं। जैसे आपको घुसना है तो दरवाज़ा कैसे खोलना है, कुर्सी पर कैसे बैठना है, घड़ी कैसे बांधनी है, इस चीज़ों को लेकर अगर आप दिमाग में ये जो चीज़ें हैं अगर इन्हीं का फितूर आप बैठा लेंगे तो इंटरव्यू आपको एक हवा लगने लगेगा। आप ये भूल जाएंगे सामान्य तौर पर कि कुर्सी पर आप जीवन हो गए आपको बैठते हुए, दरवाजा खोलते हुए आपकी पूरी जिंदगी गुजर चुकी है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या दरवाजा खोलना आपको नहीं आता है तो आप कमरे में घुसते कैसे हैं, या कुर्सी पर बैठना अगर नहीं आता तो आप पढ़ते कैसे हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि उतनी ही प्रोटोकॉल की जरूरत है जितना कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, आप कॉलेज में होते हैं तो जब आप अपने टीचर से बात करते हैं उस तरीके के एक स्टैंडर्ड को आप लेके चले नॉर्मल वे में, जितना भी टीचर को आप सम्मान देते हैं उस स्तर पर जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, उतनी ही मैच्योरिटी और उतनी ही सम्मान और उतने ही प्रोटोकॉल की आवश्यकता। उससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपसे वो ये उम्मीद करके नहीं बैठे हुए हैं कि आप एक IAS या PCS एंटर कर रहा है, आप स्टूडेंट हैं। जब आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, आपसे ये तो उम्मीद की ही नहीं जा रही है कि आप अभी उस पद पर हैं जिस पद के लिए आप आए। जब आप उस पद पर जाएंगे तो उस पद से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी रहेंगी उसके लिए ट्रेनिंग होती है वो आप सीखेंगे। आपसे उम्मीद केवल इतनी की जा रही है कि एक सामान्य सुशिक्षित व्यक्ति से, संस्कारवान व्यक्ति से जितनी उम्मीद की जा सकती है उतनी उम्मीद आपसे, कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। तो दिमाग को इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझाना है कि हमें दरवाज़ा कैसे खोलना है, कि कुंडी कैसे खटखटानी है, कपड़े कौन से पहनने, कपड़े सामान्य जो एक व्यक्ति को पहनने हो चाहिए जो आप
अच्छे लगते हैं जिन कपड़ों में जिनमें आपको ठीक लगता हो। हाँ ये जरूर है कि बहुत चमकदार भड़कीले नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चीज़ों को समझ, इसके लिए कोई विशेष आयोजन या गाइडेंस की मुझे नहीं लगता कि ऐसी जरूरत है। सामान्य प्रक्रिया है, इसको जितना आप सामान्य रूप में लेंगे मुझे लगता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सर आपने अभी एक वार्ता के दौरान बड़ी अच्छी बात की, भ्रम फैलाने वाले लोग, तो सर आप भी अच्छे से वाकिफ होंगे कि ये जो पूरी परीक्षा है, चूँकि बहुत लंबी प्रक्रिया है और प्री से लेकर इंटरव्यू तक तीन चरण है, बहुत लंबे लंबे चरण हैं, तो ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, बहुत ये किताब पढ़ लो, ये मत पढ़ो, है ना, ये कोचिंग अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, और तुम तो बिना कोचिंग तो कभी बन ही नहीं पाओगे। सर ये भ्रम फैलाने वाले लोगों से कैसे बचा जाए? देखिए जब गलत चीजें आपके सामने होती हैं तो 50% आपकी बचत तो आपका अपना आत्मविश्वास और आपकी अपनी जो आत्मबल है, आपकी आत्मा का जो प्रकाश है वही कर सकता है, क्योंकि सत्य सबसे ज्यादा करीब आपकी आत्मा के होता है, और 50% आपकी मदद सही जो रास्ता है वो करता है। तो आपको इस चीज की पहचान होनी भी चाहिए, और एक ग्रेजुएशन के बाद की ये प्रक्रिया है, तो एक ग्रेजुएट आदमी से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो सही और गलत में कुछ अंतर तो करना समझता हो, और इस चीज को भी फिर इजीली लीजिए। एक आध बार धोखा होगा जीवन में, आप कई बार गिर के भी सीखते हैं, तो गिरने को ऐसे मत लीजिए कि अगर हम गिर गए तो अब हम तो उठेंगे नहीं, अब तो हम बस लेटे ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप गिर गए हैं तो गिरने को आप नॉर्मल वे में लीजिए, लोग गिरते हैं और गिरते वही हैं जो आगे बढ़ने के लिए चढ़ते हैं, जो लोग घुटनों के बल चलते हैं वो नहीं गिरते हैं, क्या जाता है कि जो घुड़सवार है वही घोड़े से गिरता है। तो आप पहले सवारी कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि जीवन में ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदे और वो ये सोचे कि मैं इस गाड़ी को तब निकालूंगा जब पूरे शहर के सारे सिग्नल एकदम ग्रीन होंगे, उसी पल मैं अपनी गाड़ी को निकालूंगा, तो वो जीवन भर कभी गाड़ी नहीं निकाल पाएगा। गाड़ी आप निकालेंगे तो कई बार सिग्नल आपको ग्रीन भी मिलेगा, कई बार सिग्नल रेड भी मिलेगा, कुछ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे। और मैं इस संदर्भ में जरूर कहना चाहूँगा कि अब्राहम लिंकन जो USA के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनसे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग परिचित होंगे, तो उन्होंने अपने बेटे को जो पत्र लिखा था, सिविल सर्विस की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हो वो जरूर एक बार उस पत्र को पढ़े। मैंने भी पढ़ा सर, बहुत अद्भुत पत्र। तो उससे इस संदर्भ में जो गलत और सही का है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा और बहुत कष्ट नहीं होगा। चीजें मिलती हैं, देखिए चीजें गलत भी मिलेंगी सही भी मिलेंगी, लेकिन उसको एक लर्निंग लेसन के रूप में आप लीजिए। अगर आप नॉर्मल वे में लेंगे कि लाइफ में ऐसा ही होता है, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें कष्ट नहीं होगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, आप मातम मनाते रहे उसका। ये मनी सबके साथ होता है, कुछ गलत भी है, कुछ जीवन है ऐसे ही चलता है, कुछ गलत होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, और अच्छे बुरे के साथ ही मिला के जीवन को आगे बढ़ना है। अंत में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें। जीवन में भटकाने वाली बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों में बह जाएंगे, वो कई सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं कई बार जिन्हें आप मित्र समझते हैं लेकिन वो मित्र की जगह आपको भटकाने वाले होते हैं, उनसे भी आपको बचना है। हकीकत यह है कि जो कुछ आपके अच्छे मित्र भी होते हैं वो आपको उन गलत चीजों से दूर रखने की बात भी करते हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पर यह होता है कि जो अच्छा मित्र होता है उसकी बात सामान्य तौर पर कड़वी लगती है, बिल्कुल, और जो भटकाव वाले होते हैं वो आकर्षक प्रतीत होते हैं, बिल्कुल। तो अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और आप लक्ष्य पर फोकस रहेंगे तो आप उन चीजों में एक अंतर कर पाएंगे, और उस अंतर को आपको करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि कुछ मित्र भी जीवन में जरूरी है, आप बिना मित्रों के भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मैं एक छोटा सा दो लाइनें कहना चाहूंगा। तो महात्मा बुद्ध का जो खग विशाण सूत्र है उसमें उन्होंने गैंडे की उपमा के आधार पर बहुत सारे अपने उपदेश दिए हैं। गैंडे को उन्होंने इसलिए चुना है कि गैंडा जंगल में ऐसा जानवर माना जाता है कि जो हर समय झुंड में रहे, ऐसा जरूरी नहीं है वो अकेला भी कई बार विचरण करता है, झुंड मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कई बार अकेला चल देता है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि अद्धा प्रशंसा सहाय संपदम सेठा समा सेवितब्बा साया एते अलत्ता अनवच भोजी एको चरे खग विषाण कप्पो। इसका तात्पर्य यह है कि वो कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं मित्रों की संपदा की प्रशंसा करता हूँ, यानी मित्र होना भी एक संपदा की तरह है जीवन में, तो उसकी वो प्रशंसा करते हैं, लेकिन आगे कहते हैं
कि निश्चित रूप से मैं मित्रों की संपदा की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आपको श्रेष्ठ या कम से कम जो आपके स्तर के हों उनकी संगति को आपको सेवन करना चाहिए। अगर ऐसे लोग न मिले, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग नहीं मिलते, तो आप केवल मित्र बनाने के लिए मित्रों की भीड़ न पाले, तब आपको गैंडे के समान जंगल में जैसे गैंडा अकेला विचरण करता उस तरीके से आप अच्छे विचरण करते हुए बढ़े, तब भी आप लक्ष्य की तरफ पहुंच जाए। लेकिन गलत लोगों की संगति से आप बिल्कुल दूर रहें, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें। निराशा को बहुत ईजी वे में लीजिए, निराशा आएगी, उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन निराशा को हावी कभी ना होने दें। अगर आप निराशा को नॉर्मल वे में लेंगे तो निराशा के पलों में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप ये मान के चलेंगे कि ये पल सबके जीवन में आते हैं, जो सफल हुए हैं उनके जीवन में आते हैं, सफलता के बाद भी वो उन पलों से नहीं बचते हैं। अगर आप सफल होकर PCS IAS कुछ भी बन जाते हैं, तब वर्किंग लाइफ में आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तब भी आप निराशा आशा के जो ये जीवन है ये निराशा आशा के पहियों पर ही चल रहा है, उसी पर चलेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो जिस चीज़ से आप बच नहीं सकते उससे ज़्यादा बचने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, बस उससे अपने आप को घिरना नहीं चाहिए, इमर्स्ड उसमें नहीं हो जाना चाहिए कि उसमें डूब के रह जाए। पल आते हैं, उन पलों से आप निकलिए, आगे बढ़िए और अपनी सिद्धत वाली जो चीज़ है उसको हमेशा बरकरार रखिए। अभी कुछ दिन पहले एक ये शाहरुख खान की कोई पिक्चर थी तो उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी है जो मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने इतनी सिद्धत से तुम्हें पाने की चाहत की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बहुत बढ़िया। तो अगर आपकी सिद्धत में दम है तो आपके सामने चाहे 50 मुश्किलें आ जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपका कुछ भी हो, लेकिन आप अंततः आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे, ऐसा मेरा प्रश्न। तो दोस्तों आज अजय मिश्रा जी ने आपको अपने अनुभव की बहुत सारी बातें बड़े सहज भाव से, क्योंकि आपका एक विषय दर्शन भी रहा है, तो दर्शन की बातों को आपको बड़े सहज तरीके से बताया। और तीन बातें जो आपने बताई जो मुझे कोट करनी है, सबसे पहले वही बात शिद्दत, और अक्सर करके मैं भी कहता हूँ कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग जलाने की, आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग जलाने की, कौन जाने तुम्हें से कल रोशन सारा जहां हो। तो ये शिद्दत जो है वो आपको वही आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगी। और दूसरी बात, यदि आपको कोई उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, कोशिश तो यही कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें, किसी ऐसी कोई अच्छी कोचिंग भी हो सकती है, और एक कोचिंग आप नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे सफल व्यक्ति से मिल सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा है महाजन्मयन गता सपन्था, जिस रास्ते पर महापुरुष सफल लोग होकर जा चुके हैं उसी रास्ते पर चलना चाहिए, कि उनसे मार्गदर्शन लेकर चलना चाहिए। और यदि किसी परिस्थिति में यदि वो आपको मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है तो जैसा कि अजय मिश्रा जी ने कहा, अप दिगो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और तीसरी बात, आपको निराशा से बिल्कुल दूर रहना है, हर कीमत पर दूर रहना है। तो अंत में मैं अजय मिश्रा जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे बीच में आए और आपने अपने संघर्ष के समय से जो सीखा वो आपको सिखाया। पुनः आपको धन्यवाद। नमस्कार सर।